इमेजिनेशन एक्टिंग में सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ज़्यादातर बड़े एक्टर्स जो हैं उनका कहना है, हिंदुस्तान के बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी ज़ोरा सहगल, वो हमेशा कहा करती थी, जब तक इमेजिनेशन है, जब तक मेमोरी है, तब तक एक्टर है। जब आपकी इमेजिनेशन ख़त्म होगी, आपकी मेमोरी ख़त्म होगी, तो एक्टर ख़त्म हो, कितना भी अच्छा एक्टर हो। इस पे दो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग झिझक, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, ये सारे इनहिबिशन दूर करने के लिए आपको गलत भी ट्राई करना चाहिए। एक्टिंग की बेसिक चीज़ है। तो इस पे ये जो चेयर रखी हुई है, यहाँ पे आप आइए, और या तो इस चेयर में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है इस चेयर में, और इस चेयर में कौन बैठा हुआ है ये आपके डायलॉग से हमें पता चलना चाहिए। आपका बिहेवियर इस चेयर पे बैठे हुए इंसान के साथ हमें पता चलेगा कि आप, ये बंदा चेयर में कौन बैठा हुआ है, कि आपका स्टेटस वाइज वो अप है, आपसे स्टेटस वाइज नीचे है, रिलेशनशिप क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप फादर मदर भाई दोस्त बंधु नहीं, उस फादर मदर दोस्त भाई, क्योंकि फादर, अगर फादर आप रखते हैं तो फादर के साथ हज़ारों रिलेशन हो सकते हैं, कि इफ़ आई हेट माई फादर, मुझे मेरा बाप पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है मेरे फादर, मैं बहुत प्यार करता हूँ, या मेरे फादर से मैं थोड़ा डरता हूँ, या मेरे फादर को लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, थोड़ा सा मुझे उनकी बातों से इरिटेशन होता है, वो जो भी अलग अलग इतने सारे जितने रिश्ते होते हैं उतनी उसके रिश्तों के वेरिएशंस होते हैं। तो अभी एक एक करके आइए, कौन आएगा पहले, कम, आज माँ को क्या बोला, इस तरह बात करनी चाहिए, हाँ, अरे एक तो दारू पी के आप आ जाते हो और फिर इस तरह बात करते हो, घर में बहन है छोटी, आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना, गाली देना अच्छी बात नहीं है और ये रोज रोज नहीं चलेगा, इतना इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कुछ भी कहोगे, अरे वो भी बेचारी काम करती है। बताइए क्या, कौन था ये, पिताजी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हैं? खट्टा, कैसा खट्टा, बाकी सब अच्छा था। अब जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो एक्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब जो आप लाइन बोल रहे हैं, है ना, आपको ये साउंड सुनना पड़ेगा कि जो आप लिखी हुई लाइनें बोल रहे हैं, जो आपको टेक्स्ट, जो स्क्रिप्ट की जो लाइन है वो लाइन, और जो आप रियल लाइफ में बोलते हैं वो अगर मैच नहीं होती हैं, गॉट माय पॉइंट, तो आप डायलॉग बोल रहे हैं। रियल लाइफ में तुम अगर ऐसे आते तो तुम फिर दारू पी के आ गए यार, तुम फिर दारू पी के आ गए यार, तुम समझ में नहीं आता है क्या यार, घर में बीवी है क्या, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे वो भी तो रिएक्ट कर रहा है, वो भी रिएक्ट कर रहा है, तो जब तक उसकी रिएक्शन लोगों को सुनाई नहीं देगी, मतलब कि यहाँ पे, तो अभी ये करना था कि तुम्हें, कि जो यहाँ पे तुम्हारे पिताजी अगर बैठे हुए, तुम यहाँ बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बाकी लोग बैठे हुए हैं उनको तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं ये आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, बिना इनकी आवाज़ के। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, हैव यू गॉट माय पॉइंट, कि जैसे मैंने कहा कि मैंने करते करते कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उसको इस तरीके से किया कि कुछ था, मेरा पांव कहीं अटक गया, इमेजिन करना है इस इंसान को, इस इंसान के पूरे बिहेवियर को इमेजिन करना है आपको। तो जब तुम इसको शुरुआत अगर करोगे ऐसे कि एग्जैक्टली तुमने गौर से पहले इमेजिन किया कि तुम्हारे फादर यहां बैठे हुए हैं, वो तुम्हें खुद दिख रहे हैं, जब तुम खुद बिलीव करो, एक्टिंग इज ऑल अबाउट बिलीविंग, एक्टिंग मतलब विश्वास करना, विश्वास करना एक इमेजिनरी सिचुएशन पे ट्रूथफुली, है ना, किसी एक जो इमेजिनरी सिचुएशन है उस सिचुएशन पे विश्वास करके वहाँ पे बिहेवियर करना, दैट इज एक्टिंग।